नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर रियल एनालिसिस के अंदर एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम रिवाइज करने वाले हैं, महत्वपूर्ण है। एग्जाम के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिनसे क्वेश्चन बनेगा, तो एक एक चीज़ आपको ध्यान से पढ़ना है। रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण इम्पोर्टेंट है। इसमें चार पाँच क्वेश्चन आपके, लगभग तीन या चार क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आएंगे, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें आएंगी। देखिए, सब कुछ हम नॉर्मल तरीके से बिल्कुल आसानी से एक एक टॉपिक हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड होते हैं और बहुत सारे प्रोवाइड मैंने करवा रखे हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं या पढ़ सकते हैं उन्हें, वो अपनी सुविधा के अनुसार। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और इन क्लासेस को होस्ट के उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और बताना कि भाई सेकेंड ग्रेड मैथ का कोर्स तो करवाया है, साथ में रिवीजन भी आपको करवाने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा शेयर जरूर करना। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं। टॉपिक अपना है विवृत समुच्चय तथा संवृत समुच्चय, इसके बारे में पढ़ेंगे। निश्चित तौर पर क्वेश्चन आएगा विवृत समुच्चय तथा संवृत समुच्चय। सिंपल सी बातें हैं, आसान बातें करेंगे। क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल, क्लोज तो ये होगा और ओपन इंटरवल ये होगा, यानी ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल। देखिए सब जानते हैं आप, सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए ये आपके पास विवृत अंतराल है, इसका मतलब क्या होगा सब जानते हैं, यानी लास्ट वाले अवयव शामिल नहीं हो और एक एक चीज़ महत्वपूर्ण आएगी। देखो ए बी, ये जो ब्रैकेट है उसे आप विवृत अंतराल से व्यक्त करते हैं, ओपन इंटरवल कहेंगे, और जो ये इस प्रकार का जो होगा उसे आप क्या कहेंगे, क्लोज्ड। समझे बात को? अब हम बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल यानी विवृत अंतराल की, तो ए कोमा बी इसको क्या कहेंगे आप, विवृत अंतराल। और यहां पर देखिए जो अवयव आएंगे, अवयव कौन से, जो एक्स है वो ए, तो देखिए एक्स ए से तो बड़ा एक्स और बी से छोटा, और देखिए दोनों में क्या इक्वल का निशान है क्या, साथ में बराबर चिन्ह नहीं है ना, तो यानी ये दोनों जो साइड हैं, ये दोनों एलिमेंट ए और बी इस सेट के अवयव नहीं होंगे, इस समुच्चय के अवयव नहीं है, समुच्चय के अवयव नहीं। लेकिन हम बात करें क्लोज्ड सेट की, क्लोज्ड सेट यानी संवृत समुच्चय, बिल्कुल सिंपल बातें हैं, ध्यान से सुनते जाइए बस आप। तो ए कोमा बी इसके अंदर क्या होगा, ए और बी इसके अंदर शामिल है। हम बात करें अर्धविवृत अंतराल, अर्धविवृत अंतराल, अर्धविवृत अंतराल, संवृत अंतराल, दोनों आप कह सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। क्या एक तो देखिए शामिल हो और दूसरे में छोटा ब्रैकेट लग जाए, ठीक है, ऐसा इसके साथ भी हो सकता है कि पहले में छोटा और दूसरे में, देखो इस प्रकार का, यानी इसके अंदर ए तो शामिल है, इसके अंदर बी नहीं है, इसके अंदर क्या है, ए शामिल नहीं है, बी शामिल है, तो इस प्रकार का जो इंटरवल होगा, इस प्रकार का जो अंतराल होगा, उसे एक तो आपका विवृत अंतराल हो गया, एक आपका संवृत हो गया, एक आपका अर्धविवृत और अर्ध संवृत हो गया। तो ये हमने डेफिनेशन बात की। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए नॉर्मल चीज़ें हैं। अब इसके बाद में एक शब्द आएगा आपका प्रतिवेश या नेबरहुड, जैसे आप पड़ोसी कहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार, यानी आपकी कितनी क्रेंस है, यानी आपकी आपका क्षेत्र कितना, आपका पड़ोस कितना है, वही चीज़ यहाँ पर व्यक्त करती है। अब देखिए पड़ोस होता है तो आप देखिए कुछ इधर इधर गली वाले शामिल कर लेंगे, कुछ इधर गली वाले शामिल कर लेंगे, कुछ पीछे वाले, कुछ सामने वाले, तो इस प्रकार आपका एक पड़ोस बनता है। पड़ोस थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन जो संख्याएँ हैं, वास्तविक संख्याएँ हैं, उनका पड़ोस है, नेबर है, वो थोड़ा छोटा होता है। कैसे है, देखिए चीज़ वही है जो हमने नेबर हम पढ़ते हैं, पड़ोसी हम पढ़ते हैं, ठीक वही चीज़ है और कोई दिक्कत नहीं। देखो पूरा गांव है आपका सेट होगा और आपका पड़ोस, देखिए आपके आसपास के जो घर हैं वो आपके क्या होते हैं, पड़ोसी होते हैं, तो ठीक वही चीज़ें हैं, कोई नेबरिंग ऑफ रियल नंबर कह सकते हैं आप, वास्तविक संख्या का प्रतिवेश। सीधा समझाऊंगा, कोई थ्योरी नहीं, वास्तविक संख्या का प्रतिवेश, वास्तविक संख्या का प्रतिवेश, सिंपल सी बातें हैं। देखो नेबर ऑफ रियल नंबर कह सकते हैं, प्रतिवेश नेबर है, ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल सी बातें हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी संख्या ए है, ठीक है,
अब इसका प्रतिवेश क्या होगा, कुछ इससे कम, और कुछ कितना, ए माइनस का एप्साइलन और ए प्लस का एप्साइलन। एप्साइलन बहुत छोटा होता है दोस्तों, एप्साइलन बहुत छोटा, न के बराबर हम लेते हैं, लेकिन फिर भी सुविधा के अनुसार कुछ मान लेते हैं, 0.1 मान लेते हैं। तो यानी इस प्रकार का, देखिए इस संख्या के कुछ इधर साइड, इस संख्या के कुछ इधर साइड, तो ये क्या कहलाता है, ए का प्रतिवेश कहलाएगा, ए का नेबरहुड कहलाएगा। जैसे हम बात करें, ए बराबर 2 मैंने ले लिया, एप्साइलन बराबर मैंने मान लिया 0.1, तो देखिए इसमें कम करेंगे तो 1.9 और 2.1, तो ये क्या है आपका, 2 का प्रतिवेश है, समझ गए, 2 का क्या है, ये नेबरहुड है, 2 का प्रतिवेश है, तो इसे ही आप कहते हैं प्रतिवेश, यानी कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर, ये क्या कहलाएगा आपकी वास्तविक संख्याओं का प्रतिवेश। थ्योरी ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे इस चीज़ में, क्योंकि थ्योरी मैं पहले बहुत करवा चुका हूँ ये आपको। अब हम बात करते हैं, देखिए सब जानते हैं, अगर कुछ संख्याएं जहां से क्वेश्चन उठते हैं वो चीज सुनिएगा। नंबर एक बात हम करते हैं प्रतिवेश से रिलेटेड, कि मान लीजिए ए है वो बिलोंग टू क्यू है, कुछ बढ़िया गोल्डन लाइंस हैं, ए बिलोंग टू क्यू, तो बताइए मुझे क्यू का, क्यू के अंदर कौन सी संख्याएं आती हैं, जो प्रीमेय संख्याएं हैं, फाइनाइट नंबर है, ए बिलोंग टू क्यू, तो क्या इस ए का प्रतिवेश क्यू हो सकता है, क्या ए का प्रतिवेश क्यू हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्यों भी कोई भी आपने संख्या मान ली, देखो इसके अंदर तो क्या आएंगी, प्रीमेय संख्या आएंगी, प्रीमेय संख्या आएगी, लेकिन हम जानते हैं कि दो प्रीमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत अप्रीमेय संख्या होती है। अब हम बात करें दो की, दो हमने ले लिया तो 2.1 और 1.9 इसके मध्य बताओ अप्रीमेय संख्याएं भी तो है, अप्रीमेय संख्याएं भी तो हैं इसके बीच में, बहुत सारी हैं, अंडर रूट के अंदर वैल्यूज आएंगी, बहुत सारी अप्रीमेय संख्याएं हैं, यानी हम बात भी यही करते हैं कि दो प्रीमेय संख्याओं के बीच में अनंत अप्रीमेय संख्याएं होती हैं, तो इनके बीच में अनंत अप्रीमेय संख्याएं भी हैं, अनंत अप्रीमेय संख्याएं हैं, तो यानी आप कह सकते हैं कि ए बिलोंग टू क्यू के लिए इसका ए का प्रतिवेश क्यू नहीं हो सकता, क्यू नहीं हो सकता, क्यों क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू तो क्या है, प्रीमेय संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन हमने बात की कि दो अनंत अप्रीमेय दो प्रीमेय संख्याओं के मध्य अनंत अप्रीमेय संख्याएं भी हैं, तो कैसे हो सकता है क्यों, तो ये पहली बात। दूसरी बात हम करते हैं प्राकृत संख्याओं के लिए, तो ये थोड़ी थोड़ी ये बातें याद रखनी है भाई, और कोई मतलब नहीं, यहां से क्वेश्चन उठते हैं सीधे सीधे, सत्य असत्य कथन हो चाहे कुछ भी हो, यहां से क्वेश्चन उठे जाएंगे। बात करें हम ए बिलोंग टू जेड, अब हमने ले लिया इंटीजर नंबर, वही सेम टू सेम इंटीजर संख्या है, यानी पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, 4, 5। अब एक और दो के बीच में भी बहुत सारी अनंत अप्रीमेय संख्याएं हैं, क्योंकि नेबर तो वही होगा, और नेबर वैसे प्रतिवेश यहाँ पर जो पूर्णांक संख्या है उनके बीच का हो भी नहीं सकता कोई, देखिए क्योंकि 1, 2, 3 इस प्रकार की संख्याएं आएंगी, तो देखिए अब 4.4 ले रहे हैं, 4 पॉइंट वैसे कुछ घटाएं, 3.9 और 4.1, बताओ क्या इसके मध्य संख्याएं आएंगी, क्या यहाँ कोई संख्या आएगा, नहीं आएगी, क्योंकि 3 और 4 सीधे हैं, कोई बीच में रियल नंबर नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है, पॉइंट वाली संख्या नहीं आती इसके अंदर, तो ये भी कहेंगे कि ए बिलोंग टू जेड का जो प्रतिवेश है वो जेड नहीं होगा, जेड संभव नहीं है, ए बिलोंग टू जेड का प्रतिवेश जेड संभव नहीं, जेड संभव नहीं। ऐसे ही हम बात करें प्राकृत संख्याओं का, इसका भी वही सेम टू सेम प्राकृत संख्या है, तो भाई वही होगी, देखो जेड है वैसा ही प्राकृत संख्या, इसमें जीरो नहीं होगा और माइनस वाली नहीं होगी, तो इसका भी संभव नहीं है, ये बातें याद रखनी है भाई, देखो साथ साथ में आपको समझाता हूँ भी चल रहा हूँ मैं, तो आपको याद रहनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रीमित समुच्चय में, प्रीमित समुच्चय, प्रीमित समुच्चय में किसी भी संख्या का प्रतिवेश नहीं होता, प्रीमित समुच्चय में किसी भी संख्या का प्रतिवेश नहीं होता है, ये बात समझ में आई क्या, कैसे, देखो मान लीजिए ये आपके पास अस है, प्रीमित समुच्चय मान लिया 1, 2, 3, 4, ये आपके पास चार अवयव है, अब कोई सा भी ले लो, दो हमने ले लिया तो क्या 2.1 और 1.9 क्या ये चीजें नेबर होना चाहिए, नेबर है, देखो इस दो का प्रतिवेश यानी इसका नेबर आसपास की संख्याएं भी होनी चाहिए इसके अंदर, तो क्या दो के आसपास की संख्याएं हैं क्या 2.1 1.9 नहीं है ना, तो प्रीमित संख्या के अंदर किसी भी, चाहे आप दो लिया, तीन ले लो, चार ले लो, किसी भी संख्या का प्रतिवेश मौजूद नहीं होगा, ठीक है, ये चार बातें हमने अभी की हैं। बात करते हैं रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय नंबर 5, रिक्त समुच्चय यहां बात करता हूं, रिक्त समुच्चय बताओ, रिक्त समुच्चय का मतलब 5, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है भाई,
और बहुत कंफ्यूजन करता है। अब हम सोचेंगे फाई है, कोई अवयव नहीं है, तो इसका तो कह सकते हैं कि इसका तो किसी अवयव का प्रतिवेश नहीं होगा, लेकिन उल्टा है। फाई क्या है? फाई देखो कोई अवयव नहीं है तो इसके सभी अवयव का प्रतिवेश इसके अंदर मौजूद होगा, क्योंकि कोई अवयव नहीं है तो ये सारी संख्याएं इसके अंदर शामिल हैं, इसका प्रतिवेश भी होगा, कोई नंबर नहीं है तो आप कह सकते हैं रिक्त समुच्चय फाई के प्रत्येक अवयव का प्रतिवेश होता है, प्रत्येक अवयव का प्रतिवेश। ठीक है, तो ये हो गया, पांच चार बातें लिख लो ये, फिर आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और यहां पर हम बात करता हूं, ऊपर दिखेगा क्या, नंबर छह देखिए। अब ये बताओ मुझे, सैवरी तंत्राल के बारे में बताओ। अब देखो सैवरी तंत्राल, अब हम जानते हैं सैवरी तंत्राल में हमने पढ़ा है कि ए और बी शामिल है इसके अंदर। अब देखो प्रतिवेश का मतलब क्या हो गया, ए से कुछ वैल्यू कम, ए माइनस एप्साइलन और ए प्लस एप्साइलन, ठीक ऐसा है। ए माइनस एप्साइलन इसके अंदर है क्या? देखो ए है यानी ए बीच में आएगा, ए से ये देखो ए माइनस एप्साइलन से ए बड़ा है, क्योंकि देखो ए से छोटी वैल्यू इसके अंदर नहीं है, ए ही शामिल है। मान लीजिए दो तीन ऐसा होता, ऐसा है तो दो से कम कोई वैल्यू इसके अंदर है क्या? नहीं है। बात करें हम चार, मान लीजिए चार, चार से कोई ऊपर वैल्यू है क्या? चार प्लस एप्साइलन, चार से बड़ी वैल्यू नहीं है तो इसके अंदर पूर्ण रूप से तो इसका प्रतिवेश नहीं होगा। कौन सी संख्याओं का? जो ये बाहर वाली है, दो और चार को छोड़कर, दो और चार को छोड़कर बाकी सभी का प्रतिवेश होगा, छोड़कर बाकी सभी का प्रतिवेश होगा। देखो यहां पर अगर मैं तीन लेता हूं तो तीन का होगा, क्योंकि तीन माइनस एप्सिलॉन 2.9, इसके बीच में सारी संख्याएं आ रही हैं, 3.1 इसके बीच में भी आ रही हैं, तो यानी जो सैवरित अंतराल है, सैवरित अंतराल है उनमें जो बाहर वाले जो बच गए, सीमा बिंदु बच गए, उनको छोड़कर बाकी सभी का प्रतिवेश मौजूद होता है। समझे बात को? ए और बी को छोड़कर बाकी सभी अवयव का प्रतिवेश है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। देखो ऐसी बातें आपको शायद ही कोई बताएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, तो ये बातें यहाँ से क्यों सुनते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लो इन चीज़ों को भाई, मज़ा आएगा वास्तव में आपको। एक एक चीज़ आपकी क्लियर होती चल रही है, कंसेप्ट मैं क्लियर करने के प्रयास कर रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो 100% आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं आप। तो ये बात समझ में आ गई, सैवरी अंतराल वाली कोई दिक्कत वाली नहीं, क्या कि ए और बी को छोड़कर बाकी जितने भी इसके बीच में अवयव आएंगे उनका प्रतिवेश होगा। बात करते हैं अपन विवृत अंतराल की, ठीक है, बात मैं करता हूँ विवृत अंतराल की, एक एक चीज़ समझे, समझने जरूरी है भाई। वैसे मैंने बहुत मेहनत की है क्लासेस के अंदर, आपको बहुत अच्छा तरीके से समझाया है, फिर भी यहाँ भी कोशिश कर रहा हूँ कि रिविजन क्लास के अंदर भी वही चीज़ें बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊँ। अगर फिर भी थोड़ा सा कहीं भी आपको लगे कि स्पीड हो रही है, तो आप अगर ये टॉपिक नहीं आया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इनकी क्लासेज देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग क्लासेज वाइज बना रखी है, लगभग 400-500 क्लासेज अपनी सेकंड ग्रेड मैथ की है प्रत्येक टॉपिक की, तो आप वो क्लासेज चेक कर सकते हैं, है ना, वो देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी कोशिश यही है कि आपको सारी चीज़ें यहीं पर अब क्लियर हो जाएं, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से दोबारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो अब नंबर सात, अब देखो ये चीज़ है विवृत, ये समझेंगे, बहुत सिंपल बात है भाई। विवृत अंतराल के अंदर देखो हम जानते हैं ये अवयव पहले ही नहीं है इसके अंदर, ये अवयव होते ही नहीं है, ये होते ही नहीं, यानी जो सीमा वाले बिंदु हैं वो इसके अंदर शामिल ही नहीं है, तो देखिए आप कह सकते हैं कि इसके बीच वाले जो अवयव होंगे उन सभी का प्रतिवेश होगा ही, उन सभी का प्रतिवेश होगा, तो यानी आप क्या कह सकते हैं कि विवृत अंतराल के अंदर प्रत्येक अवयव का, क्योंकि ये तो शामिल है ही नहीं, पहले ही नहीं है इसके अंदर, तो प्रत्येक अवयव का प्रतिवेश होता है, प्रत्येक अवयव का प्रतिवेश मौजूद है। बोलो समझ में आई बात? ये तो बात होगी, बस तो इतनी सी बात है, यहां से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आ सकता है सत्य असत्य कथन के अंदर, और इतना आपने क्लियर कर लिया। लिखो इस चीज को, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, बाकी नोट्स आपके पास होंगे जो मैंने दिए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे आंतरिक बिंदु, और वैसे देखिए एक चीज़ और है कि ए यूनियन बी दो अगर आपके समुच्चय हैं तो उनका संघ भी क्या होगा, उसका प्रतिवेश मौजूद होगा, उनका इंटरसेक्शन भी, उसका भी प्रतिवेश मौजूद होगा, तो वो थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आंतरिक समुच्चय की,
आंतरिक समुच्चय क्या होता है कि समुच्चय का समुच्चय के प्रत्येक बिंदु का या किसी बिंदु का कह सकते हैं, कोई एक बिंदु ले लीजिए, का प्रतिवेश पूर्णतः उस समुच्चय के अंदर हो, प्रतिवेश पूर्णतः समुच्चय के अंदर है तो आप क्या कहेंगे उसे आंतरिक बिंदु कहेंगे। आंतरिक बिंदु नाम से स्पष्ट है, आंतरिक बिंदु यानी समुच्चय के अंदर का अवयव, वह अवयव जिसका प्रतिवेश पूर्ण रूप से उस सेट के अंदर है। प्रतिवेश समझ गए हम बात, और भी हमने बातें की है। आंतरिक बिंदु क्या है, इंटीरियर पॉइंट क्या है, कि समुच्चय के किसी बिंदु का प्रतिवेश पूर्णतः उसके अंदर हो, पूर्णतः अगर उसके अंदर है तो वह बिंदु आपका आंतरिक बिंदु कहलाएगा। ठीक है, बातें समझ रहे हैं आप, बड़े ही समझदार हैं सभी। आंतरिक बिंदु भाई, ये बातें याद हो गई तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इंटीरियर पॉइंट यहां पर ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये बातें सीधी की सीधी एग्जाम के अंदर आने वाली हैं, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आते यहां पर इस बुक से, बस ये बातें आएगी, तो ये बातें थोड़ा सा ध्यान से रखना। क्या होता है कि समुच्चय के किसी बिंदु का, समुच्चय के किसी बिंदु का प्रतिवेश पूर्णतः समुच्चय में हो, समुच्चय के किसी बिंदु का प्रतिवेश यानी नेबरिंग प्रतिवेश पूर्णतः समुच्चय में हो, क्या कहलाएगा भाई, आंतरिक बिंदु कहलाएगा। तब वह समुच्चय का आंतरिक बिंदु कहलाता है, तब वह बिंदु समुच्चय का आंतरिक बिंदु कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। अभी हम बात करते हैं आंतरिक बिंदु कौन सा होगा, पूर्णतः प्रतिवेश है वो उसके अंदर होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं आपके एग्जाम्पल की, अभी हमने बात की थी S बराबर 2.4, देखिए ये शामिल है, ऐसा मंजिला ब्रैकेट नहीं है, ये इस तरह सहवृत्त वाला है 2.4। अब देखिए 2 को हम चेक करेंगे तो 2 का प्रतिवेश है क्या, 2 प्लस एप्सिलॉन नहीं है ना, क्योंकि ये कम वाली वैल्यू नहीं है, तो ये पूर्णतः इसके अंदर नहीं है, पूर्णतः होना चाहिए, पूर्णतः नहीं है तो ये इसका आंतरिक बिंदु नहीं होगा। बात करें 4 की, तो 4 माइनस एप्सिलॉन तो इसके अंदर है, 4 से छोटा, लेकिन 4 भी है, 4 से बड़ा वैल्यू है कि इसके अंदर नहीं है, तो ये भी क्या है, आंतरिक बिंदु नहीं है। बात करें इसके बीच में एक 3 और है, 3 का देखें, 3 माइनस एप्सिलॉन बिल्कुल है, 3 से छोटी वैल्यू है, 3 प्लस एप्सिलॉन 3 भी है और 3 प्लस एप्सिलॉन यानी दोनों चीजें यहां पर हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंतरिक बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा शहबाज, आंतरिक बिंदु, या इंग्लिश के अंदर हम कहेंगे इसे इंटीरियर पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सारी चीजें समझ में आ रही है ना, तो बस सिंपल सी बातें हैं, देखो कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, यानी पूर्णतः इसके अंदर होना चाहिए, प्रतिवेश पूर्णतः है तो वो क्या होगा, आपका आंतरिक बिंदु कहलाएगा। ठीक है, कहां दिक्कत आ रही है बोलो, लिखो इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम प्राकृत संख्या की बात करें, अन्य को लेकर, अन्य के अंदर कोई भी आंतरिक बिंदु नहीं होगा, क्यों, क्योंकि किसी अवयव का प्रतिवेश भी नहीं होता। अन्य क्या होता है, अभी हमने बात की थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 0 शामिल नहीं होगा और माइनस वाली जो पूर्णांक संख्या है वो नहीं होगी, बाकी सभी यहां से 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक वैल्यू जाएंगी, तो इसमें किसी अवयव का आपका प्रतिवेश ही नहीं होता है, प्रतिवेश ही नहीं होता। अभी हमने बात की थी प्रतिवेश नहीं होता तो बताओ क्या इसका आंतरिक बिंदु होगा, क्योंकि आंतरिक बिंदु तो है कि पूर्णतः उस समुच्चय के अंदर होना चाहिए, कोई अवयव है उसका प्रतिवेश पूर्णतः उस समुच्चय के अंदर होना चाहिए, कोई समुच्चय नहीं है तो आंतरिक बिंदु कहां से होगा, तो इनका कोई भी आंतरिक बिंदु नहीं होता। ये बातें पूछी जाती हैं, कान खोलकर सुन लो सभी, कान खोलकर सुन लेना, ये बातें पूछी जाएंगी, अन्न का कोई भी आंतरिक बिंदु नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी बातें आपको याद रखनी है, अन्न का कोई भी आंतरिक बिंदु नहीं होता। और भी आप चीजें बात कर सकते हैं, विवृत अंतराल का प्रत्येक बिंदु इस अंतराल का आंतरिक बिंदु होता है। देखिए हमने सहवृत्त अंतराल की बात की, इसके अंदर ये जो आपकी सीमा वाले हैं उनको छोड़कर बाकी सभी अवयव हैं उनका आंतरिक बिंदु होगा विवृत अंतराल के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल हम बात करें, विवृत अंतराल A, B, ये क्या है, विवृत अंतराल है, विवृत अंतराल का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होता है, विवृत अंतराल का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होता है।
ये बातें याद रखनी है भाई। विवृत अंतराल का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होता है, विवृत अंतराल का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होता है। ऐसे ही और बात कर सकते हैं आप, आंतरिक समुच्चय। अब इंपॉर्टेंट चीज और आ रही है, आंतरिक समुच्चय। आंतरिक समुच्चय देखो, आंतरिक बिंदु बात कर लिया, देखो सीधी सीधी सी बात है, आंतरिक बिंदु क्या था कि पूर्णतः कोई बिंदु है उसका जो प्रतिवेश है वो पूर्णतः समुच्चय के अंदर होना चाहिए। अब ऐसे सभी बिंदुओं का समुच्चय, यानी जो आंतरिक बिंदु है ऐसे सभी समुच्चय के, ऐसे सभी बिंदुओं का समुच्चय जो सभी आंतरिक है, सीधी सी बात है। देखो आंतरिक बिंदु हमने बात की क्या कि जिस अवयव का प्रतिवेश पूर्णतः समुच्चय के अंदर है तो वो आंतरिक बिंदु है, इंटीरियर पॉइंट है, सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं ऐसे सभी बिंदु, अब एक बिंदु थोड़ी ना होगा, कोई सा भी हो सकता है, रियल नंबर के अंदर तो सभी आंतरिक बिंदु होते हैं, तो रियल नंबर सभी आंतरिक बिंदु होते हैं तो उन जितने भी बिंदु हैं उन सभी का समुच्चय क्या होगा, आंतरिक समुच्चय होगा, इंटीरियर सेट कहलाएगा। और यहां से इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, यहां से इंपॉर्टेंट बातें आपसे पूछी जाएंगी, आंतरिक समुच्चय। एक एक बात आपको अच्छे से समझनी है, कान खोल कर। और बहुत ही एक एक चीज इंटरेस्टिंग है, एक एक चीज को आप जोड़ते चलिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी इस बुक के अंदर। एक एक चीज को आप, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ों को जोड़ते हुए, आपको कनेक्ट करते हुए चीज़ें ले जा रहा हूँ, पिछले वाला भी साथ में बता रहा हूँ और साथ में जो नया बता रहे हैं, तो साथ में सारी चीज़ें आपके लिए अटैच रहेंगी, सारी चीज़ें एक क्रम से आपकी चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी, याद रहेंगी। तो यही तरीका है पढ़ने का, यही तरीका है मैथ्स के अंदर जो थ्योरी वाले पोर्शन होते हैं उन चीज़ों को याद करने का, क्योंकि बीएससी है तो उनके अंदर लगभग लैंग्वेज हैं, स्टेटमेंट्स हैं, कोई ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं है। कई जो कैलकुलस है उसमें तो भाई नाम ही कैलकुलस आता है तो उसमें तो मैथमेटिकली होती है, बाकी जो बुकें हैं उनके अंदर ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं है, सारा लगभग थ्योरिटिकल पार्ट है। और कहते हैं ना इन चीज़ों को याद रखना चाहिए, तो याद मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ इन चीज़ों को याद रखना है। आंतरिक समुच्चय देखिए, और बिल्कुल हम मिलकर चीज़ें सीखेंगे, आंतरिक समुच्चय, इंटीरियर सेट। आंतरिक समुच्चय, इंटीरियर सेट। क्या बात बताई मैंने कि सभी समुच्चय के सभी आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय, समुच्चय के सभी आंतरिक बिंदुओं का, आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय, आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय, आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय किस द्वारा व्यक्त करते हैं इसे, इसे हम ऊपर देखिए एस द्वारा हम व्यक्त करते हैं, इसे एस द्वारा व्यक्त करेंगे। अब हम बात करते हैं देखिए इंटीरियर सेट, अगर हम मैं बात करूं एन प्राकृत संख्याओं के अंदर, बताओ कोई इसका इंटीरियर पॉइंट होता है क्या, नहीं होता, तो इसका इंटीरियर सेट भी नहीं होगा, तो क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है, बात करते हैं अपन जेड की, तो जेड के अंदर देखिए आपकी पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक संख्याओं के अंदर भी कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, कोई आंतरिक बिंदु नहीं होता, फाई आएगा। बात करें हम Q की, तो Q के अंदर भी कोई नहीं होता, फाई आएगा। बात करें हम R की, बात करते हैं अपन R की, तो R के अंदर देखिए प्रत्येक बिंदु का, क्योंकि R तो सभी संख्याएं आ गई, तो प्रत्येक बिंदु का इंटीरियर पॉइंट होता है, और इसका प्रत्येक बिंदु का इंटीरियर पॉइंट होगा तो इसका प्रत्येक बिंदु इंटीरियर सेट भी होगा, उसके अंदर सभी को शामिल कर सकते हैं अपन, तो क्या आएगा, वापिस R ही आपके पास आएगा। बात करें हम सैवरित अंतराल की, तो सैवरित अंतराल के अंदर ये बाहर वाले दोओं को छोड़कर बाकी सारे क्या होंगे इसके, ए कोमा बी, सभी का इंटीरियर सेट होगा। तो यानी क्या जाएगा इंटीरियर सेट, सैवरित अंतराल का विवृत अंतराल आ जाएगा। बात करें हम विवृत अंतराल की, देखिए विवृत अंतराल के अंदर सभी का इंटीरियर पॉइंट होगा, तो ये वही वापिस वही आ जाएगा आपके पास। बात करें अपन ए की, परिमित समुच्चय आपके पास, कोई भी परिमित समुच्चय है तो उसके अंदर प्रीमिस समुच्चय, तो उसके अंदर कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, तो फाई आ जाएगा। ठीक है, और क्या रहा इसके अंदर, और दो कुछ चीज़ें नहीं रही, जैसे फाई का, फाई रह गया, फाई नोट, फाई का करेंगे तो वापस फाई ही आएगा। तो यानी ये कुछ चीज़ें बातें हैं जो आंतरिक समुच्चय को और भी प्रभावशाली बनाएंगी। आंतरिक समुच्चय हमने पढ़ा है तो इसको और भी अधिक तरीके से आप इस चीज़ों को याद रख सकते हैं इस प्रकार। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है तो ये क्लासेस को शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट क्लास और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और भी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं इसकी रिविजन क्लास भी दो बनाने वाला हूँ इस टॉपिक की, क्योंकि बहुत बढ़िया टॉपिक है भी, एक एक चीज़ आपको याद रखनी है। और देखिए रोज़ाना रिविजन के लिए आधा घंटे का समय तो आप निकाल सकते हैं,
रोजाना आधे घंटे का समय निकाल सकते हैं, इतनी ही हमारी क्लासेज होगी, इतने में ही बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके रिवाइज करा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा, सब कुछ, बस विश्वास बनाए रखना। एक एक चीज़ आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी, सिखाते आए हैं और भी आगे सिखाते रहेंगे, मिलकर सीखेंगे, मिलकर जीत हासिल करेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, सभी को अपनी तैयारी के लिए शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जीके पढ़िए, साथ में मैथ तैयार कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।